हे गाइस, वेलकम टू द प्रॉफिट कर्व। आज बात करते हैं एक स्टॉक के बारे में। अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ऑल स्टॉक आइडियाज ऑन दिस चैनल, ऑल वीडियोस ऑन दिस चैनल आर ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस। नो बाय नो सेल रिकमेंडेशन। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी बाइंग और सेलिंग पोजिशन इन एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। भाई, डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए बोलना ज़रूरी है, राइट? हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है डिस्क्लेमर। मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक पीटीसी इंडिया। ये पावर ट्रेडिंग और पावर के बिजनेस में ही है। दिस कंपनी इज़ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, सो दिस इज़ प्रमोटेड बाय पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड 2-3 मोर कंपनीज इन द पावर सेक्टर। तो अभी देखिए, फ्राइडे क्लोजिंग में, 20th October 2023 क्लोजिंग में, कल के, ये स्टॉक अराउंड 9% इंट्राडे में ऊपर चढ़ा और क्लोजिंग होते होते 6-7% की क्लोजिंग उसने दी फ्रॉम द प्रीवियस डे। रीज़न, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी हैज़ एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट एंड ऑलमोस्ट, ऐसा कंपनी बता रही है, कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये न्यूज़ दी थी 19th October को कि वन ऑफ द सब्सिडरीज ऑफ पीटीसी इंडिया को ONGC अक्वायर करने वाला है फॉर 925 करोड़, राइट? उस चक्कर में ये स्टॉक देखिए 6-7% ऊपर जाके बंद हुआ। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है लेडीज़ एंड जेंटलमैन कि ऐसी कंपनीज़ जब पब्लिक सेक्टर में PSUs है और एक ही दिन में इतना ऊपर चलती है, तो इसके पीछे का रैशनल क्या है और रिटेल इन्वेस्टर कैसे ये मूव्स देख के, अब रिटेल इन्वेस्टर के चार्ट में तो दिखाया होगा कि ये तो कोई पैटर्न बन गया है, दिस स्टॉक इज़ ब्रेकिंग ऑल इट्स, क्योंकि सारे हायर हाई हायर लो बना रहे हैं, बट ये खबर आई क्यों है? ये आई है बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, क्यों आया? बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। नाउ इंटरेस्टिंगली, पीटीसी इंडिया हैज़ गॉन अप 3 times इन द लास्ट 3 years। अगर आप अक्टूबर नवंबर 2020 का भाव देखोगे तो 45-50 रुपीज़ के बीच में आएगा और अभी की क्लोजिंग इस स्टॉक की है 147 रुपीज़, फ्राइडे की क्लोजिंग, 20th October की क्लोजिंग। तो ये आपको बताता है कि स्टॉक ने ऑलरेडी आउट परफॉर्म किया है, बट इफ़ यू लुक एट ROCE एंड ROE, वो 9% का है। प्रॉफिट ग्रोथ भी लास्ट 5 साल की आपको 22% दिखाएगा, लेकिन लास्ट 10 साल की काफ़ी कम है, 3 years की भी काफ़ी मीडियोकरी है। एंड हाँ, बुक वैल्यू बहुत अच्छी है कंपनी की, सो प्राइस टू बुक रेशियो इज़ डिसेंट, उस मेट्रिक पे सही है, लेकिन ग्रोथ चाहिए ना भाई, ग्रोथ। और कंपनी जो इसको प्रमोट कर रही है, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, सी हाउ मच दे हैव ग्रोन इन द लास्ट 3 years। मैंने आपको बताया था पावर सेक्टर में कितना दम है हमारे देश में, तो आई हैड ऑलरेडी गिवन यू अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पावर सेक्टर इन द कंट्री एंड इट्स फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। लेकिन ये तो पावर ट्रेडिंग कंपनी है और मेरा कहने का मतलब ये है कि वेन समबडी हैज़ ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड पावर ग्रिड या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो वो पीटीसी इंडिया में हाथ डाल के नया रिस्क क्यों लेगा, स्पेशली जब ROE रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है कंपनी में, ग्रोथ नहीं है। अब जो कंपनी 9% ROE दे रही है, वो कैसे आपका पैसा बना के दे सकती है? बट स्टॉक चल गया है तो यू माइट हैव अ रैशनल कि सर, 3 साल में 3 गुना हो गया, अब और कितना चलेगा ये स्टॉक, हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट द स्टॉक टू ग्रो? बट दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसे कंपनीज़ में हाथ डालने के पहले यू शुड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में कुछ अच्छे हैं, अच्छे कम हैं, बुरे ज़्यादा हैं, दैट इज़ हाउ आई वुड लाइक टू पुट इट। इसीलिए मोनोपोली है कि नहीं, ये कंपनी तो क्लियरली मोनोपोली नहीं है, तो ये लो ग्रोथ मोनोपोली आप सस्टेन भी नहीं कर पाओगे, राइट? तो उस हिसाब से ऐसी कंपनीज़ में इफ़ यू आर लुकिंग टू टेक एनी पोजिशन बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न्स, इट इज़ क्लियरली नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज ये तो खबर आई तो स्टॉक चल गया और काफ़ी टाइम से चला ही जा रहा है। लेकिन देखो, मार्केट में वही होता है, बुल मार्केट में नॉट एवरी स्टॉक दैट इज़ ट्रिपल्ड इन द लास्ट 3 years इज़ अ गुड कंपनी, ग्रेट कंपनी। हो सकता है ये और आगे चल जाए, लेकिन फिर ये फंसेगी, बहुत लंबी भी फंस सकती है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा IGL MGL पे, जिसमें आप ये पॉइंट क्लियरली समझ जाओगे कि कहाँ जाके रिटेल इन्वेस्टर फंसते हैं। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप प्रॉफिटिंग गाइस।